नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कामटी में मास्क के बिना घूमने वाले पर कार्रवाई, शेंडे नगर में सुअरों से नागरिक परेशान, चोरी के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार में। कामटी में मास्क के बिना घूमने वालों पर कार्रवाई। शहर में बुधवार की शाम प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम ने कोविड संक्रमण को लेकर जारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मऊदा कामटी के SDO श्याम मदनूरकर इन मुहिम में शामिल हुए। बाजार के विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर उन्होंने नागरिकों तथा दुकानदारों से मास्क लगाने तथा सुरक्षित दूरी की सख्ती से पालन करने की अपील की। तो वहीं दूसरी ओर शेंडे नगर में सुअरों से नागरिक परेशान। नागपुर कामटी रोड स्थित शेंडे नगर में बाहरी लोग पालतू सुअरों की धमा चौकटी से नागरिक परेशान हैं। नागरिकों का कहना है कि सुअरों के झुंड से इलाके में गंदगी भी बढ़ रही है, जिसका असर नागरिकों के तबीयत पर पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वही तीसरी ओर चोरी के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। मारपीट कर जबरन चोरी करने वाले आरोपी के खिलाफ तहसील पुलिस ने मामला दर्ज किया है। महाकाली नगर निवासी विलास शंकरलाल नागपुरे के ट्रैक्टर की आरोपी अरबान उर्फ सोनू भांजा ने चाबी छीन ली। नागपुरे के मालिक को सिलेंडर से मारने का प्रयास किया। दो पहिया पर पत्थर मार कर तोड़फोड़ कर नागपुरे की जेब से 1000 रुपए लेकर फरार हो गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते है, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।